फ्रेंड्स, मैं हूं लखन राठौर और आप देख रहे हो हमारा यूट्यूब चैनल द बेस्ट फिजिकल एकेडमी हर। तो हमेशा हम बताते हैं आपको कि रनिंग के दौरान हमेशा पैरों के अंदर जान होना बहुत जरूरी है। अगर टाइम कम करना है तो पैरों के अंदर मजबूती होना बहुत जरूरी है और जिससे में ना कि भरपूर मात्रा होना चाहिए। तो मैं आज आपको बताने वाला हूँ कि अगर आपका टाइम कम नहीं हो रहा है और आपकी रनिंग स्पीड ज़्यादा नहीं है, अगर आप 1600 मीटर का टाइम कम समय में नहीं ले पा रहे आ रहे हो, तो आप एक काम कीजिए, ग्राउंड रनिंग छोड़िए, रोड रनिंग भी छोड़िए और एक सबसे हटके जो हिल रनिंग होती है पहाड़ी ऐसी देखिए, जहाँ पर मैं आपको रनिंग करके बताने वाला हूँ। अगर आप ऐसी पहाड़ी रनिंग पे एक महीने अगर आप रनिंग करते हैं तो यकीन मानिए आप ग्राउंड में किसी को भी आगे नहीं आने दोगे आपसे। मैं आपको बताने वाला हूँ कि रनिंग कैसे करना है, पहाड़ी देखना है ऐसी और पहाड़ी पर आपको रनिंग करना, उसके बाद मैं बताऊँगा आपको कि पहाड़ी पर अगर आप एक महीने रनिंग करते हो तो आपके पैरों में मजबूती कैसे आएगी, जान कैसे आएगी और आपके अंदर क्या इम्प्रूवमेंट होगा। तो मैं अभी आपको रनिंग करके बताता हूँ पहाड़ी पर। दोस्तों, आपने देखा होगा कि जब मैं यहाँ से चढ़ रहा था तो मेरे जो लेग्स है, लेग्स की पोजीशन अप एंड डाउन थी। मेरी जो लेग्स की पोजीशन थी वो जो अप एंड डाउन थी। और यहाँ पर आप अगर ग्राउंड में दो चक्कर या तीन चक्कर लगाओगे जब जाके आपकी सांस फूलेगी, और अगर आप हिल रनिंग करते हो तो इतनी ही दूरी में आपकी सांस फूलने लग जाएगी। अगर आपके पास ऐसी हिल नहीं है तो आप ऐसी हिल पे भी दौड़ सकते हो नॉर्मल, लेकिन दम लगा के दौड़ना है। इससे आपके पैरों की मजबूती होगी, थाई मजबूत होगी और आपकी जो सांस लेने की जो क्षमता है, जो ब्रीथिंग है रोकने की, वो भी बढ़ेगी। एक बार और मैं बताता हूँ आपको रनिंग करके कि अगर आप हिल पर रनिंग करते हैं तो क्या होता है। देखिए, सबसे पहले तो अगर आप हिल पर रनिंग कर रहे हैं तो आपके लेग्स की पोजीशन देखो, पंजों पर रनिंग होगी ऊपर ही, साथ ही साथ आपके हाई पर थाई जो है उस पर बहुत लोड आएगा। देखो ये जैसे कि देख रहे हो, चढ़ने में काफ़ी दिक्कत आती है यहाँ पर हिल में। ये जो मेरा लेग्स पोजीशन है, यहाँ जो लोड आता है ना दोस्तों, अगर ये मजबूत हो गई आपकी तो आपको 440 लाने में कोई नहीं रोक सकता है। आपको बस करना क्या है, ऐसे हिल रनिंग करना और वो भी सिर्फ एक महीने के अंदर आपका टाइम कवर हो जाएगा। ऐसे अगर आपने पहाड़ी पर 3 या 4 बार चढ़ाई कर ली है, उसके बाद में आपको स्पीड में भागना है, जितना स्पीड से भाग सकते हो। दोस्तों, आपने देखा है कि बस इतने ही 5 मिनट की रनिंग में अच्छा खासा स्टेमिना की जरूरत होती है हिल रनिंग पर रनिंग करने के लिए।
यहाँ पर आपको क्या होगा, आपके पंजे मजबूत होंगे, काफ मजबूत होगी और थाई, और सबसे ज़्यादा अगर आप 1600 मीटर रनिंग कर रहे हो, आपका टाइमिंग अच्छा भी आ रहा है और आपकी अगर हिप पेन कर रही है तो आप रनिंग नहीं कर सकते हो। अगर आपके हिप मजबूत नहीं है तो आप रनिंग में अपना बेस्ट नहीं दे पाओगे। इससे आपको हिल रनिंग करना है, पहाड़ी पर रनिंग करना है, पहाड़ी पर अगर रनिंग करोगे तो आपका स्टेमिना, ब्रीथिंग लेने की समस्या भी ख़त्म हो जाएगी और आपको सांस को कंट्रोल करना भी आ जाएगा। तो ऐसा ही वीडियो हमारे साथ देखने के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहे। जय हिंद, जय भारत।